प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो शहर में रोड शो करेंगे। उसके बाद स्थानीय एसएफ मैदान में आयोजित लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला सहित जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर गुरुवार को रीवा पहुंच रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का सबसे पहले शहर में रोड शो होगा, जो विवेकानंद पार्क से शुरू होकर हॉस्पिटल चौराहे में समाप्त होगा। इस रोड शो में सभी धर्मों के लोगों सहित व्यवसायी और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस रोड शो के बाद मुख्यमंत्री एसएफ मैदान में आयोजित लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां से वो सिंगल क्लिक से प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों के खाते में लाडली बहन योजना की तीसरी किस्त भेजेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। लाडली बहना योजना से हितग्राहियों को आमजनों से जोड़ने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 6 अगस्त को हस्ताक्षर अभियान सहित दीवार लेखन अभियान चलाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंगलवार को रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला सहित जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने निरीक्षण किया और तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। बहुत ही शानदार तैयारी है, क्योंकि आयोजन ही इस प्रकार का है। एक और लाडली बहना का सम्मेलन है, जिसमें तीसरी किस्त रीवा की धरती से पूरे प्रदेश के लाडली बहनों को स्थानांतरित की जाएगी। और दूसरा, रीवा में रोड शो भी है। विवेकानंद जी की प्रतिमा से लेकर कॉलेज चौराहे से दीनदयाल जी की प्रतिमा तक, अस्पताल चौराहे तक, वो खुली जीप में रोड शो करेंगे। और रीवा के सभी नागरिक, विभिन्न संप्रदाय के लोग, समुदाय के लोग, संगठनों के लोग उनका अभिवादन करेंगे, धन्यवाद देंगे, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में रीवा की तस्वीर बदली है और रीवा में जो विकास हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। इससे सड़क के किनारे लोग आकर और इस रोड शो को सफल बनाएं, ये भी मैं इस आपके माध्यम से अपील करता हूं। और जनता को इस कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में भारी उत्साह है। 30-35 पॉइंट हैं जहां पर मंच लोगों ने बनाया है, मंच बनाए गए हैं और वहां पर इसका लोग खड़े होकर उनका अभिनंदन करेंगे। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।